आई एम पवन कुमार, फैकल्टी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम पॉलिटेक्निक, IMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक. द थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट विच इज वी आर स्टडिंग इन BTech एज ए थर्मोडाइनमिक सब्जेक्ट, बट इन पॉलिटेक्निक वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एज ए थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. ओके, तो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इफ वी लुक इन दिस टॉपिक थर्मल इंजीनियरिंग, तो हम इस सब्जेक्ट को देखते ही हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट जो है आपका हीट से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है. ओके, तो इफ वी एक्सप्लेन इस सब्जेक्ट इन वन लाइन, तो वी कैन से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट, स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इट्स अ फिजिकल इफेक्ट ऑन एनी सब्सटेंस, एनी मैटर और एनी मटीरियल, वी कैन से. तो हम अगर हिंदी में इसको समझें तो क्या कहेंगे, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के स्थानांतरण तथा उसके किसी पदार्थ के ऊपर भौतिक प्रभावों का अध्ययन अगर करें तो उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलेंगे, थर्मल इंजीनियरिंग कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. ठीक है, तो इस पूरे सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है, कौन कौन से तरीके हैं हीट ट्रांसफर होने के, कौन कौन से लॉज हैं जो हीट ट्रांसफर को गवर्न करते हैं. ठीक है, और हीट ट्रांसफर के बेसिक एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. ठीक है, और हीट का हम अपने इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कहाँ कहाँ हम हीट का प्रयोग कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के स्थानांतरण और उसके होने वाले भौतिक प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मल इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ठीक है, क्या आता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को यदि हम एक्सप्लेन करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, इट इज द क्लोज स्पेस और क्लोज कंटूर, क्लोज रीजन, और वी कैन से बाउंडेड स्पेस, वी कैन से बाउंडेड वॉल्यूम अपॉन विच द थर्मल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और थर्मल इंजीनियरिंग हैपनिंग्स और थर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज और थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम स्टडीड, दैट पर्टिकुलर स्पेस, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्लोज रीजन, क्लोज वॉल्यूम इज नोन एज सिस्टम और थर्मोडायनेमिक सिस्टम. दूसरे शब्द में बोले अगर हिंदी में कहें इसको, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम या निकाय एक ऐसा निश्चित क्षेत्र, एक ऐसा निश्चित आयतन, एक ऐसी निश्चित मटेरियल पदार्थ है जिस पर हम थर्मोडायनेमिक गतिविधियों का या ऊष्मा के स्थानांतरण से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द कवरिंग विच इज बाउंडेड, द सिस्टम इज नोन एज बाउंड्री. ठीक है, सिस्टम जिसका आउटर कवरिंग से बाउंडेड होता है उस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, बाउंड्री कहते हैं. एंड आपको यहां दिखाई दे रहा है सराउंडिंग्स, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द बाउंड्री, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द बाउंड्री इज नोन एज सराउंडिंग्स. कहने का मतलब यह है कि सिस्टम के बाद और इस बाउंड्री के बाहर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आउटर कवरिंग में के बाहर जो भी आपको दिखाई दे रहा है, दैट ऑल थिंग्स विल बी नोन एज सराउंडिंग्स. ओके, और हमने समझ लिया कि थर्मल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं. दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक ऐसी निश्चित जगह, एक ऐसा निश्चित क्षेत्र, एक ऐसा निश्चित आयतन जहां पर हम ऊष्मा गति की गतिविधियों का, थर्मोडायनेमिक एक्टिविटीज का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर या थर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज को एनालिसिस करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं. ठीक है, तो मोस्टली जो है अगर हम बात करें, दो दो प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जिस प्रकार से हम थर्मल इंजीनियरिंग के सिस्टम को एनालिसिस करते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकेंड है आपका
मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रो जो टर्म है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पर, बहुत ही एटॉमिक लेवल पर, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े एकदम एवरेज लेवल पर। तो सपोज इफ वी स्टडी, अगर माइक्रो लेवल को हम एक लाइन में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वी स्टडी एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट मॉलिक्यूलर लेवल और एट एटॉमिक लेवल। अब हम आप कहेंगे इसे स्टडी क्या करने वाले हैं इस थर्मल इंजीनियरिंग सिस्टम में, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है। अगर किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी कब करते हैं, माइक्रो लेवल पर करते हैं। माइक्रो लेवल का मतलब एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो उस प्रकार की थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि यदि हम सिस्टम की क्या है, कंबाइंड सिस्टम की एक साथ, पूरे सिस्टम की कंबाइनली एक साथ अगर स्टडी करें, ठीक है, तो उस प्रकार के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज एक कंटेनर में जो पानी रखा हुआ है हमें उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो कंटेनर के पानी की अगर हम एक एक एटम की स्टडी करें, वाटर के H2O के एक एक एटम की स्टडी करें, तो सपोज हर एक एटम जो होगा कंटेनर के अंदर, हर एक एटम की वेलोसिटी अलग होगी, हर एक एटम का प्रेशर अलग होगा, हर एक एटम का टेम्परेचर अलग होगा। तो अलग अलग हम एटम की अगर स्टडी करते हैं तो वो आपका स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कंबाइंड पूरे कंटेनर की अगर एक साथ स्टडी करते हैं, दैट टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर हो गया होगा सबको जहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो हमने सिस्टम पढ़े हैं कि वो कौन कौन से आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली आपके थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट है आपका ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड थर्ड है आपका आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम थर्मल प्रॉपर्टीज का ही हम जो है स्टडी करेंगे सिस्टम के ऊपर। तो ओपन सिस्टम क्या होगा, ओपन सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें, दोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर हम इसको सिस्टम माने, ध्यान दीजिए इसमें अगर फिगर को हम थोड़ा सा और बड़ा करके देखें, ठीक है, अगर इसमें इसको सिस्टम, ये सिस्टम आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इफ इन एनी सिस्टम बाउंड्री अलाउ करती है किसको, द इंट्रैक्शन ऑफ मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है, और साथ साथ में एनर्जी के इंट्रैक्शन को भी अलाउ करती है, तो इस प्रकार के हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इन अदर वर्ड वी कैन से द एनी सिस्टम इन विच द इंट्रैक्शन ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी कैन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग आपकी बाउंड्री के बाहर जो भी आपको दिखाया जा रहा है, दैट इज द सराउंडिंग, और सिस्टम क्या है, बाउंड्री के अंदर का क्लोज रीजन क्या कहलाता है, आपका सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में यदि मास का इंटरेक्शन पॉसिबल है, कहने का मतलब सिस्टम के अंदर मास को ऐड किया जा सकता है और सिस्टम से मास को आउट भी किया जाए, एनर्जी सिस्टम में ऐड भी की जा सके और एनर्जी सिस्टम से आउट भी किया जा सके, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे हम अगर एयर कंप्रेसर की बात करें, एयर कंप्रेसर इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। आगे टॉपिक आपको मिलेगा एयर कंप्रेसर, कुछ लोगों ने जानते भी होंगे कि एयर कंप्रेसर क्या होता है। तो एयर कंप्रेसर को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या होगा, एयर कंप्रेसर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कंप्रेस द एयर। कंप्रेस द एयर मीन्स टू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, मतलब प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो डिवाइस यूज होती है एयर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए, दैट इज नोन एज कंप्रेसर। ध्यान दीजिए मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि एयर कंप्रेसर के अंदर एयर का मास एंटर भी करता है, ठीक है, और एयर का मास आउट भी करता है, ठीक है। जब एयर कंप्रेसर के अंदर जाती है तो टेम्परेचर वहां कम होता है, कंप्रेशन होने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर के बाहर एयर निकलती है। तो दोनों केस में अगर हम देखें तो क्या समझ आ रहा है हमें कि सिस्टम के अंदर एयर कंप्रेसर को अगर देखें तो एयर कंप्रेसर के अंदर गैस का मास ऐड भी हो सकता है, एयर का मास ऐड भी हो रहा है, और एयर का मास जब कंप्रेस होकर के बाहर निकला तो एयर का मास बाहर भी जा रहा है, ठीक। सेम हीट एनर्जी ऐड भी हो जा रही है और हीट एनर्जी रिलीज कैसे हो जा रही है,
क्योंकि गैस जो है कंप्रेस होने के बाद सिस्टम से बाहर चली जा रही है. तो हेंस वी कैन से दैट एनी सिस्टम इफ द इंटरेक्शन ऑफ मास एज वेल एज एनर्जी टेक प्लेस देन सिस्टम इज नोन एज ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम. नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. तो क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, अब हमें ओपन में दिखाई दे रहा है कि ओपन का मतलब क्या है, बाउंड्री ओपन अगर हम माने, ठीक है. तो अब यहाँ क्या है, बाउंड्री जो है सील्ड है, कहने मतलब बाउंड्री किसी प्रकार से मटेरियल का इंटरेक्शन होने नहीं देगी. तो ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे, इफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम द एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कैन टेक प्लेस बट नो मास ट्रांसफर विल टेक प्लेस, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ मास टेक प्लेस. नो मास ट्रांसफर का मतलब ना तो सिस्टम के अंदर मास जाएगा, ना तो मटेरियल हम ऐड कर सकते हैं, ना ही मटेरियल को बाहर निकाल सकते हैं. सपोज अगर इसके अंदर 1 kg ऑफ मैटर रखा हुआ है तो ना ही हम इसको 1.2 kg कर सकते हैं और ना ही इसको इससे मटेरियल को निकाल करके इसको 0.8 kg कर सकते हैं. द सिस्टम मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट एनर्जी कैन बी एडेड इन टू द सिस्टम एंड ऑल्सो द एनर्जी कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सिस्टम बट नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस. द सिस्टम विल बी नोन एज क्लोज सिस्टम. मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल बोला है, सील्ड बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक की अगर सील्ड बोटल को हम देखें, दैट सील्ड बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक वर्क्स एज ए क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम. अब आप कहेंगे सर क्लोज थर्मोडायनेमिक कैसे वर्क करती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे बताइए. जब देखिए मैनुफैक्चरिंग होती है कंपनी के अंदर, ठीक है, और उसको सील कर दिया गया एक बार बोतल को, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हमने सील कर दिया गया, उसके बाद जब तक कि उसको रीओपन नहीं किया जाता है तब तक कि किसका ट्रांसफर होता है बोतल के अंदर, ओनली हीट कभी ऐड हो जाती है कभी हीट रिमूव हो जाती है. अब आप कहेंगे सर कहाँ ऐड हो रही कहाँ रिमूव हो रही. अगर हम बात करें जब दुकानदार के पास वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है तो उस समय उसका टेम्परेचर सपोज रूम टेम्परेचर होता है, सपोज कह सकते हैं 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है. और जब उसको फ्रिज में रख देते हैं, जब उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर से जब वही दुकानदार आपको रिमूव करके दोबारा से देता है उस कोल्ड ड्रिंक को, तो आपको क्या दिखाई देता है, उसका टेम्परेचर कम हो चुका है. क्या उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल से मास 1% निकला बाहर, नहीं. क्या निकला, ऐड क्या हुआ, हीट ऐड हुई थी कभी, क्या बाहर हुआ, हीट रिमूव हुई थी. तो ओनली द ट्रांसफर ऑफ हीट और इंट्रेक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस बट नो मास चेंजेज टेक प्लेस. अगर ऐसा कहीं हमें दिखाई दे रहा है तो उस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व, ठीक है. अभी आपको ये थोड़ा समझ नहीं आएगा नॉर्मली, लेकिन जब हम सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट जो होता है उसको अगर हम इनलेट आउटलेट वॉल्व उसमें बंद कर दें तो यदि गैस जो है, इफ द गैस इंसर्टेड बिटवीन द सिलेंडर एंड पिस्टन बट नो इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व इज देयर, तब उस दौरान क्या होगा, सिलेंडर अगर पिस्टन सिलेंडर के अंदर अगर मूवमेंट करता है, कभी एयर कंप्रेस होगी कभी एयर एक्सपेंड होगी, तो क्या होगा, बाउंड्री के साथ सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का हीट का तो ट्रांसफर हो जाएगा, सिस्टम के अंदर हीट ऐड भी हो सकती है, सिस्टम से हीट रिलीज भी हो सकती है, बट नो लीकेज आउट ऑफ द गैस टेक प्लेस. क्यों, क्योंकि ना तो वहां पर इनलेट वाल्व है, ना तो गैस एंटर करेगी ना ही गैस बाहर जाएगी, ठीक है. तो ये क्लोज सिस्टम हो गया. नेक्स्ट अगर बात करें आपकी आइसोलेटेड सिस्टम, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आइसोलेटेड सिस्टम. तो यहाँ पर इस कोरोना के कॉल में हमने बहुत बार सुना है आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेट कर दो इसको, आइसोलेशन कर दो इसका. तो आइसोलेशन आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, उसको बिल्कुल सोसाइटी से अलग कर देना, मतलब उसमें बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट लगा देते हैं, ना कोई चीज को ना कोई इससे अब कनेक्शन में आएगा ना ये किसी के कनेक्शन में आएगा. तो इस प्रकार का अगर कहीं बाउंडेशन लगा दिया गया तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड. उसी प्रकार से थर्मल इंजीनियरिंग भी बहुत पहले से आइसोलेट टर्म यूज करती चली आ रही है, तो यहाँ पर भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही उसका रीजन है. आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम क्या कहेंगे, अब एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही थी, मास ऐड हो जा रहा था मास निकल जा रहा था ओपन में, ठीक है, हीट ऐड हो जा रही थी हीट बाहर भी निकल जा रही थी. लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करते हैं, हम बाउंड्री का इस सिस्टम से कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं, ना तो सिस्टम के अंदर हीट को ऐड कर पाएंगे ना सिस्टम से बाहर हीट को लीक आउट कर पाएंगे. सेम, ना तो सिस्टम के अंदर मास को ऐड कर सकते हैं, ना तो मटेरियल ऐड किया जा सकता है और ना ही मटेरियल को बाहर रिमूव आउट किया जा सकता है. तो कोई ऐसा सिस्टम
तो हम अगर इसमें देखें डेफिनेशन को, द दोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी, क्या लिखा है, ना तो एनर्जी नॉर मास ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ये आपको लाइन हमेशा याद रखनी है, ये चीज जरूर बोलनी है जब भी आप डेफिनेशन बोलेंगे, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में ही इंटरेक्शन आपको दिखाना है हमेशा। किसके किसके बीच में दिखाना है, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच आपको हमेशा इंटरेक्शन दिखाना है। ठीक है, हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग्स का इंटरेक्शन दिखाना है। तो एक एक ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें ना तो मास को ऐड कर सके, ना तो मास को रिमूव कर सके, ना ही हीट को ऐड किया जा सके, ना ही हीट को रिमूव किया जा सके। कहने का मतलब जितना मास इसका है, सपोज एक किसी एक केजी मास है सिस्टम के अंदर और इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इसका सपोज हम मान लें कि 10 केजी किलो जूल इसकी हीट है इसके अंदर, तो ना तो इससे हीट बाहर जाए और ना ही इसमें हीट ऐड हो, ना ही इसका मटेरियल बाहर जाए। एक केजी एज इट इज एक केजी रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एज इट इज 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मस फ्लास्क मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। थर्मस फ्लास्क को अगर हम नॉर्मली आप कहेंगे सर नहीं इसमें तो हम मास ऐड कर सकते हैं, मास रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं तो सुबह इसमें हम क्या कहते हैं ठंडा पानी ऐड करते हैं और दोपहर तक ये पूरी खाली हो जाती है। लेकिन थर्मस फ्लास्क अगर सील्ड है तो उस केस में हम थर्मस फ्लास्क को भी आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। सपोज हमने एक लीटर वाटर जो है उसके अंदर भरा, ठीक, और उसको सील कर दिया। उसका टेम्परेचर सपोज कितना था, 18 डिग्री सेल्सियस था, और उसका अमाउंट कितना था, 1 लीटर था। ठीक है, तो अगर उसको सील कर दिया तो टोटली आप चाहें उसको एक दिन दो दिन तीन दिन रखे रहने दीजिए, अगर उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो थर्मस फ्लास्क वर्क्स एज ए आइसोलेटेड सिस्टम। उसका जितना टेम्परेचर पर हमने उसके अंदर वाटर रखा था सेम उसी टेम्परेचर पर हमें मिलेगा, और चूंकि सील्ड कर दिया है तो उसके मास में भी कोई चेंजेज नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आपको यूनिवर्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलिटेक्निक के बच्चे भी नॉर्मली आप यूनिवर्स को मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको नहीं आएगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो यूनिवर्स केस की सराउंडिंग कुछ नहीं है। अगर इसको इमेजिन करके देखें तो यूनिवर्स की कोई सराउंडिंग नहीं है। जब सराउंडिंग ही नहीं है तो कहने का मतलब तो पूरा पूरा क्या है, सिस्टम ही है। ये क्या है, सिस्टम ही है। अब सिस्टम ही टोटल है, यूनिवर्स एक प्रकार का एक सिस्टम ही है, नो बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री है लेकिन सराउंडिंग नहीं है। जब सराउंडिंग नहीं तो इंटरेक्शन किसके साथ होगा। अब हम कह सकते हैं कि ना तो इस सिस्टम से हीट बाहर जाएगी और ना ही सिस्टम के अंदर हीट आएगी, ना ही सिस्टम से मास कहीं जा सकता है ना सिस्टम के अंदर। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कोई बाउंड्री कोई सराउंडिंग ही नहीं दिख रही है। अगर सराउंडिंग होती तो चांसेस हो सकते थे कि उसके मास में भी चेंजेज आ सके या उसके एनर्जी में भी चेंजेज आ सके। तो नो मास नो एनर्जी चेंजेज टेक प्लेस ऑफ द यूनिवर्स, सो द यूनिवर्स वी ऑल कंसिडर एज आइसोलेटेड सिस्टम। सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने क्या अभी देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है पढ़ लिया। थर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटीज का जहां अध्ययन करते हैं, जहां स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम कैसे पहचानेंगे, ओपन है क्लोज है कि आइसोलेटेड है। तो हमने उसको बताया कि कौन किसको ओपन कहते हैं, किसको आपको क्लोज सिस्टम कहते हैं, किसको आइसोलेटेड कहते हैं। ठीक है, दो चीजें हमने समझ ली। नेक्स्ट अब हमें कैसे पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम किस कंडीशन में रखा हुआ है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि ये स्टूडेंट है या ये टीचर है, ठीक है, तो आपको जब तक हम ये ना बताएं कि टीचर की क्या क्वालिटीज हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये टीचर है। जब तक मैं ये ना बताऊं कि स्टूडेंट के अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तो आप देख के कैसे बताओगे कि ये स्टूडेंट ही है। ठीक है, तो उसी प्रकार सिस्टम को थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जानने के लिए हमें ये बताना पड़ता है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हिंदी में कहें, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हैज सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में भी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, वे सभी भौतिक गुण, वे सभी भौतिक आपकी करेक्टरिस्टिक्स जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, या वी कैन से ऑल दोज कोऑर्डिनेट्स विच आर यूज टू एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब वो कोऑर्डिनेट कौन से हो सकते हैं, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, हीट हो सकती है, इंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी हो सकती है। ठीक है,
आगे आपको बताएंगे इस सब के बारे में, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स, जो उसकी बाउंड्री हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, या जिनके माध्यम से हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं, दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्या कहते हैं हम, उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, या उस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी क्या हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। सपोज हमें किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, हमने ये बताया कि इस पर्टिकुलर सिस्टम का इतना टेम्परेचर है और इतना प्रेशर है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर अगर कहीं हमें दिखाई दे रहा है तो हम ये मान लेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये वाला है, या हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इतना टेम्परेचर उस पर्टिकुलर सिस्टम का होगा तो हम गए और हमने देख लिया कि ये वाला यही सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोज बाउंड्रीज, दोज कोऑर्डिनेट्स विच आर यूज टू एक्सप्लेन एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उन सबको प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मली, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंट्रोपी, इंथैल्पी, ठीक है। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपकी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, मैंने आई एन को रेड हाइलाइट किया हुआ है, तो आई एन को मैं यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एन का मतलब इंडिपेंडेंट, आपको क्या याद रखना है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आई एन का मतलब इंडिपेंडेंट, किस पर इंडिपेंडेंट, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास इनसाइड द सिस्टम और मास ऑफ द सिस्टम। हिंदी में समझाएं तो वे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे, आपको समझ ही नहीं आया, तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम कैसे कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर एक आइस का टुकड़ा है जो हमारे जो हम जिसको हमने एक सिस्टम कंसिडर किया है और जिसका वजन कितना है, जिसका वेट कितना है, 1 kg है, ठीक है, ठीक है, जिसका मास कितना, सपोज हमने मान लिया 1 kg है, ठीक है। तो 1 kg मास के आइस के पीस को हम कंसिडर कर रहे हैं एक सिस्टम के रूप में, ठीक है। तो सपोज उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसका कुछ एनर्जी होगी और उसका कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। सपोज अभी आइस का वर्क पीस जो है, आइस का जो पीस है वो एनवायरमेंटल में रखा है, ठीक है, एनवायरमेंटल, ओपन एनवायरमेंट में रखा है, तो सपोज इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, एनवायरमेंटल प्रेशर लग रहा है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, उस आइस के पीस को, 1 kg आइस के पीस को हम 10 parts में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 10 parts में हमने डिवाइड किया, तो अब हम ये देख रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उस मास को ब्रेक करने में, 10 जगह ब्रेक करने में चेंज हो रही है, कौन सी नहीं चेंज हो रही है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें, उस आइस के पीस को हमने 10 parts में काट दिया, ठीक है, तोड़ दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर आइस के पीस का टेम्परेचर कितना है, सपोज 0 degrees Celsius है, या आप कहें 2 degrees, आप कहें कि उसको 0 degrees Celsius से कमी मान के चलो, निगेटिव ही मान के चलते हैं, -2 degrees Celsius सपोज मान लेते हैं कि आइस के पीस का जो है -2 degrees Celsius टेम्परेचर था, ठीक। तो हमने क्या किया, उसको 10 parts में अगर डिवाइड किया तो हम क्या देख रहे हैं कि हर सभी दसों पार्ट्स का टेम्परेचर सेम ही दिखाई दे रहा हमें, मतलब -2 degrees Celsius ही सभी आइस के पीस का टेम्परेचर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चेंज क्या हो गया, सपोज 1 kg आइस के पीस का वॉल्यूम कुछ था, सपोज 1 m³ था, कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि 10 mm³ मान लीजिए या 50 mm³ मान लीजिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम था। जब हमने उसी पीस को 10 जगह डिवाइड कर दिया तो वो 10 जगह डिवाइड हो गया। अब हो सकता है कि 50 mm का या कुछ भी था, तो उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में जो डिवाइड हुआ, तो क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम उसका चेंज हो गया, है कि नहीं, बताइए। सपोज पहले 1 kg आइस के पीस का वॉल्यूम ज्यादा था, जब 10 छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया तो उसका वॉल्यूम भी कम हो गया, मतलब वॉल्यूम भी चेंज हो गया, लेकिन चेंज क्या नहीं हुआ था, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था,
और क्या चीज चेंज नहीं हुई थी, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। आइस का पीस जो ओपन एनवायरनमेंट में रखा था, अगर उस पर प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो अभी भी 100 पीस पर क्या है लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर मास चेंज होने पर चेंज नहीं होते हैं, लेकिन क्या चेंज हो जा रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और भी चेंज हो जाएगी, कौन सी चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। कौन कौन सी एनर्जी, सपोज अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 mv², तो वहां पर भी मास का पार्ट आता है कि नहीं आता। दूसरा अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो वहां भी क्या आता है आपका, mgh आता है। ठीक है, तो mgh में क्या आता है, मास वहां भी आ रहा है। अगर हम हीट एनर्जी की बात करें, mcv∆T की बात करें, तो वहां पर भी मास आ रहा है। तो इफ वी चेंज द मास, द एनर्जी विल ऑल्सो चेंज, आइदर काइनेटिक, पोटेंशियल और हीट एनर्जी। तो एनर्जी मास चेंज होने पर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और मास पर डिपेंड नहीं हो रही, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन मास, और एक्सटेंसिव क्या है, डिपेंडेंट ऑन मास। तो हम समझ लेते हैं, यहां देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच इंडिपेंडेंट ऑन मास इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरे शब्दों में कहें, यदि मास चेंज होगा तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यदि मास चेंज हो जाए और वो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैंने आपको बस समझाए हुए हैं कि मास चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था तो टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा था तो प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है मास चेंज होने से, तो क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी भी चेंज हो जा रही है, तो एनर्जी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। दैट इज, दीज आर द थर्मोडायनेमिक स्टेट, चेंज इन स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। ठीक है, तो इफ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट, इफ वी डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो स्टेट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो स्टेट क्या होगी, हिंदी में क्या बोलते हैं स्टेट को, अवस्था बोलते हैं। अवस्था को अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा कि एट पार्टिकुलर फिक्स टाइम द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अवस्था हिंदी में क्या कहेंगे, किसी निश्चित समय पर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की भौतिक स्थिति है उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट और स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है,